दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंशन के बारे में। जो ये टेंशन होता है और जो इसका तार होता है, ये अगर वर्क नहीं करता, अगर ये काम नहीं करता, तो आप अपनी मशीन का कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया आपकी मशीन में ये तार टूट गया है या ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये देखो जैसे देखे ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, और जाना चाहिए नीचे से ऊपर, तब जाकर हमारी मशीन सिलाई देगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये देखो मैं आपको इसका सारा सामान बता रहा हूँ। अगर आपके पास टेंशन है और जो इसका तार आपको बदलना होता है, ये अगर ये आपकी मशीन का टूट गया, तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? ये कहीं से भी मिल जाएगा, इसको लेके आए और ये पूरा टेंशन खुला हुआ है, देखो ये देखो पूरा खुला हुआ है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, सबसे शुरू में क्या करना है, जो ये इसकी किल्ली होती है, देखो ये लेनी है और इसको इधर से पकड़ लेंगे, और जो ये स्प्रिंग है इसका जो हमने लिया है, इसको ऐसे डालेंगे, ये ऐसे, और ये याद रखना है, देखो जो इसके अंदर ये मुड़ा हुआ तार होता है, ये होती है, देखो इसमें खांचा, ठीक है, ये इस खांचे में डालेंगे, ये देखो ये इस खांचे में हमने डाल लिया, ये देखो ये खांचा है और ये तार मुड़ा हुआ है, ये इसमें डाल लेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें डालने के बाद क्या करना है, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, और इसके बाद लेंगे ये वाली, ये प्लेट, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे ये कटोरी, ये डाल दी एक ऊपर से। एक काम जरूर करना है, जब इसको लगाएं तो इसको कपड़े से ऐसे अच्छे से साफ कर लें, ताकि इस पर कोई भी धूल मिट्टी या कोई भी गर्दा ना बैठा हो। अगर ये ऐसा होगा तो हमारा धागा सही नहीं चलने का इसमें। ये इसको ये रख दिया और इस प्लेट को उल्टी, एक तो हमने ऐसे रखी और इसको लगानी है उल्टी करके, ये देखो ये दोनों, ताकि दोनों के फेस मिल जाए, ये दोनों हमने लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इस तार को पीछे कर देंगे इससे, ये देखो ये हमने ऐसे लगाई, और ये तार हमने बाहर निकाला था, इसको ऐसे अंदर डाल लेंगे, ये देखो, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ये ऐसे डालना है, इसको यहाँ पर कर लेंगे ये जो सुराख है, और जो इसमें सुराख के इसमें ये पिन वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, ये इसको ऐसे डाल लेंगे, ये हमने डाल लिया, और ये देखो चलने लगा हमारा स्प्रिंग, ये जैसे इसमें नहीं चल रहा, देखो ये मशीन है, ये मशीन में ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया ये इसका क्या नाम जो खराब हो गया है। अगर आपको बदलना है तो आप जो है ना ऐसे आसानी से बदल सकते हैं इसको, ये देखें ये चल गया। अब इसके इसके बाद लगाएंगे, ये देखो ये निकल वाली प्लेट, ये हमने लगा दी, ये इधर से लग गई। अब इसके ऊपर डाल देंगे स्प्रिंग ये वाला, ये देखो, जिससे हमारा धागा टाइट और ढीला होता है, ये होता है लॉक, ये देखो ये लॉक हम इसमें लगा देंगे ऐसे, ये लॉक हमारा लग गया, और इसके ऊपर से नट टाइट कर देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। ये देखो ये अब हमारा स्प्रिंग यहाँ से ऐसे चल रहा है, अगर हमको इसको क्या नाम नीचे से ऊपर चलाना है तो इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है, ये देखो चल गया, ये ऊपर से नीचे ऐसा होता है, ये ऐसे धागा नहीं चलता, धागा चलता है हमारा ये देखो नीचे से ऊपर को, तब जाके हमारी सिलाई अच्छी आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा टेंशन बता दिया, आप कैसे इसको खोल कर ऐसे आसानी से फिट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस एक एक पुर्जे को खोल लेंगे और इसको जैसे मैंने बताया ऐसे लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो हमारी मशीन है, जो इसका देखो, जो इसका ये देखो, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको मत्थे को खोल लेंगे, ये हम मत्था खोल लेंगे बड़े आसानी से, ये दोनों पैंच खोल लिया, इसको बाहर निकाल लेंगे फेस प्लेट को, ये देखो, और जो ये पैंच होता है ये वाला, इसको भी थोड़ा लूज कर लेंगे, ताकि हमारा पैंच का सर आराम से लग जाए, ये देखो जो ये पैंच होता है इसको लूज कर लेंगे थोड़ा सा, ये देखो, और इसको घुमा कर देखेंगे, ये देखो घूम गया आसानी से। अब जितना हमको टाइट रखना है, देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको, पहले कहाँ था ये पहले ऊपर से नीचे जा रहा था, हमें करना है नीचे से ऊपर जाए था आगे, और हमको ऐसा करना है ताकि ना तो ज़्यादा ढीला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो, ये देखो, ताकि हमारा धागा आसानी से चल भी जाए और धागा इसमें फंसे भी ना, ये देखो। कई बार होता है धागा जैसे हम चलाते हैं बराबर में से निकल जाता है, तो जब ज़्यादा टाइट होता है तब होता है ये,
लेकिन हमको इसको मीडियम रखना है, ठीक है। ये देखो ये मीडियम हमने रख दिया, अब इसको टाइट कर देंगे पैंच को, इसको भी जान लगा के टाइट कर देंगे ताकि दोबारा से घूमे ना ये हमें, और इसे हिला के देख लेंगे ऐसे। ये देखेंगे ऐसे हिल तो नहीं रहा, अगर हिल रहा हो तो थोड़ा सा और ऐसा जान लगा के टाइट कर देंगे, ठीक है। और जो हमने पैंच ये खोला था इसको भी टाइट कर लेंगे, ये देखो ये देखो, अब चल रहा है स्प्रिंग इसके साथ, और ये देखो ठीक है। अब इसका फेस प्लेट को ऐसे जैसे हमने खोली थी ऐसे इसको लगा देंगे और इसके दोनों पैंच टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी लग गई, ये देखो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसकी सिलाई चेक कर लेंगे, जो हमने ये चल लगाई है ना इसे हमें पता लग जाएगा हमारी सिलाई अच्छी आ रही है या नहीं। ये धागा डाल लेंगे, कोई भी धागा ले लेंगे, ये हमने टेंशन में देख लेंगे धागा। ये देखो ये चल रहा है, और इसको धागे को ढीला और टाइट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको कुंडी में लगाएंगे, और इसको सुई में डाल के ये देखो ये निकल गया हमारा धागा आसानी से। फिर कपड़ा ले लेंगे और इसमें सिलाई चेक करेंगे, ये देखो। और स्प्रिंग देखो हमारा, ये देखो स्प्रिंग भी पूरा वर्क कर रहा है, देखो जैसे नीचे से ऊपर धागा जाता है ये आ गया खुद नीचे, ठीक है। और ये देखो हमारी सिलाई, ठीक है, सिलाई भी बिल्कुल ओके है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, अगर आपका टेंशन का तार अगर गड़बड़ कर रहा है टूट जाता है, आप इसको कैसे बदल सकते हैं ये मैंने आपको बताया है, आप आसानी से अपने टेंशन की गूंज को जो है ना और तार को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आसान ट्रिक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों।